हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें इस समय मौजूद है हम मुंब्रा बाईपास पर, और मुंब्रा बाईपास पर लाल किला से ठीक आगे आप देख सकते हैं एक भयानक हादसा हुआ है। एक कंटेनर जो है यहाँ पर पलटी हो गया। आपको ये बता दें, एक कंटेनर जो है नवी मुंबई की तरफ जा रहा था और सुबह 10 बजे के आसपास में ये हादसा यहाँ पर सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि आप जब रेती बंदर की तरफ से मुंब्रा बाईपास पर चढ़ेंगे और लाल किला से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर जिस तरह से एक टर्न बना हुआ है, एक टर्न है, यहाँ पर कंटेनर चालक ने अपना संतुलन खो दिया, ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर चालक वीर बहादुर ने बताया कि उसकी गाड़ी का जो है ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं लगा, जिसके बाद कंटेनर जो है डिवाइडर से टकराते हुए यहाँ पर आकर पलटी हो गया है। हालांकि ये दूसरी तरफ का आप रास्ता देखेंगे, ये जो रास्ता है ये रास्ता जो है रेती बंदर की तरफ जाता है, इस तरफ से जो है एक बाइक सवार जा रहा था और इस जो रोड पर ये कंटेनर गिरा है उसकी चपेट में वो बाइक चालक आ गया। आपकी उसकी भी बाइक देख सकते हैं, वहाँ पर बाइक पड़ी हुई है, बाइक सवार को भी काफ़ी चोट लगी है। कालशेखर अस्पताल में जो है भर्ती किया गया है। और जो कंटेनर चालक वीर बहादुर था वो जो है इस गाड़ी में फंस गया था। हालांकि जो यहाँ पर मौके पर स्थानीय लोग और ट्रैफिक विभाग के लोग पहुँचे, उसे बाहर निकाला गया। वीर बहादुर जो कंटेनर चालक है उसे भी काफ़ी चोटें लगी है। लेकिन मुंब्रा बाईपास पर जिस तरह से लगातार हादसे हो रहे हैं इसमें अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है और ये भयानक हादसा आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास में यहाँ पर सामने आया है। और दो स्ट्रीट लाइट भी आप देख सकते हैं कि डिवाइडर से टकराने की वजह से दो स्ट्रीट लाइट भी टूट गई है। और इस कंटेनर में जो है मक्के की भूसी जो है ये लोड थी और ये नवी मुंबई की तरफ जा रहा था और सुबह 10 बजे के आसपास ये भयानक हादसा हुआ है। हालांकि कंटेनर चालक और जो बाइक सवार था इन दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। और सुबह से ही आपको बता दें कि इसी तरह से ट्रैफिक भी काफ़ी जाम थी, लेकिन जो यहाँ के ट्रैफिक कर्मचारी हैं उन लोगों ने एक तरफ जो है रास्ता खोल के रखा है, एक वन साइड जो है वन साइड लोग जा रहे हैं। एक दूसरी तरफ से भी आपको दिखाएंगे कि दूसरी तरफ से भी एक तरफ का रास्ता खोला गया है, किसी को तकलीफ ना हो जाने आने के लिए। और क्रेन भी यहाँ पर जो है लाई गई है। अब जो है ये गाड़ी जो यहाँ पर जो हादसा हुआ है इसे हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बहरहाल गनीमत ये रही कि जिस तरह से ये भयानक हादसा हुआ है जिस तरह से ये कंटेनर रोड की दूसरी तरफ आकर पलटी हुआ है इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। हालांकि एक बाइक सवार को चोट लगी है, उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।